हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन माय वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ बॉटनी। और आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ की बॉटनी के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पैकेजिंग ऑफ डीएनए है। सबसे पहले ये बात समझनी है कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्यों जरूरी है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ पैकिंग द डीएनए। हम सब जानते हैं अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे, अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर, एक ह्यूमन सेल के अंदर हमारे पास 6.6 इंटू 10^9 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए कंटेंट है दैट इज 6.6 इंटू 10^9 बेस पेयर्स। और हम जानते हैं एक बेस पेयर, दो बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.34 नैनोमीटर। दो बेस पेयर्स के बीच हमारे पास एक बेस पेयर है, ये एक बेस पेयर है, ये दूसरा बेस पेयर है। इन दो बेस पेयर्स के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज 0.34 नैनोमीटर। अगर हम टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन ए यूकैरियोटिक सेल को मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स दैट इज 0.34 इंटू 10^-9 मीटर। आई हैव कन्वर्टेड दिस नैनोमीटर इंटू मीटर्स। मैंने आपको पहले पिछले क्लासेस में भी बताया है कि 0.1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^9 मीटर, 1/1000th ऑफ ए मीटर। सो दिस कम्स आउट टू बी, द आंसर कम्स आउट टू बी 2.2 मीटर्स। सो द लेंथ ऑफ डीएनए इन ए यूकैरियोटिक सेल इज 2.2 मीटर। एंड दिस डीएनए, वी नो दैट दिस डीएनए इज प्रेजेंट कहां पे प्रेजेंट होता है? वेरी गुड, इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ईसी इज यूकैरियोटिक सेल। ये डीएनए जो है 2.2 मीटर डीएनए जो है ये एक यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। हमें पता है न्यूक्लियस का जो साइज है, अगर टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की बात की जाए, न्यूक्लियस का जो साइज है दैट इज 10^-6 मीटर, 10^-6 मीटर। रिमेंबर द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल, व्हाइल एज द लेंथ ऑफ डीएनए इज वेरी वेरी लार्ज। सो टू अकोमोडेट दिस मच अमाउंट ऑफ डीएनए इन दिस स्मॉल न्यूक्लियस इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी कंपैक्ट दिस डीएनए, व्हेन वी पैक दिस डीएनए इन ए सिस्टमैटिक वे। तो दिस इज द नेसेसिटी दैट वी हैव टू पैकेज द डीएनए। याद रखना है हमारे पास डीएनए की लंबाई जो है, एक सेल के अंदर जितना डीएनए है अगर उसकी लंबाई देखी जाए वो 2.2 नैनोमीटर है। साइमल्टेनियसली उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए प्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए पैक होता है। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी कंपैक्ट दिस डीएनए, व्हेन वी सिस्टमैटिकली अरेंज और कंपैक्ट दिस डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस। इसी तरह अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, ये मैंने आपको बताया एक यूकैरियोटिक सेल, एक ह्यूमन सेल की मैंने आपको बात की। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूंगा, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर 4.6 इंटू 10^6 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। 4.6 इंटू 10^6 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई इट विद 0.34 इंटू 10^-9 मीटर, द आंसर कम्स आउट टू बी 1.22 mm। द लेंथ ऑफ डीएनए इन ए प्रोकैरियोटिक सेल इज 1.22 mm। साइमल्टेनियसली इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, दो देयर इज नो न्यूक्लियस, देयर इज नो प्रॉपर न्यूक्लियस, बट देयर इज न्यूक्लॉइड, एंड द साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज इक्वल टू 1 micron meter। सी वी आर हैविंग ए प्रोकैरियोटिक सेल which lacks a nucleus, जिसमें proper nucleus नहीं होता है, because of the absence of nuclear membrane नहीं होती है। prokaryotic organisms में, bacteria में जो cell का size है, cell की मैं बात करूं, not nucleus, because they lack nucleus, cell का size typical size है 1 micron meter।
उनके अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो अमाउंट आप देने हैं दैट इज 1.22 mm. टू अकोमोडेट दिस 1.22 mm ऑफ डीएनए इन ए प्रोकैरियोटिक सेल इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी यू नो कंपैक्ट दिस डीएनए, व्हेन वी अरेंज दिस डीएनए सिस्टमैटिकली बाय कंपैक्शन, बाय पैकेजिंग इट इन अ वे सो दैट इट शुड गेट एडजस्टेड विदिन अ सेल हैविंग अ डायमेंशन ऑफ 1 micrometer. जैसा मैंने आपको बताया, सो जिस तरह मैंने आपको यूकैरियोटिक में सेल में भी बताया 2.2 meter हमारे पास डीएनए होता है. दिस डीएनए हैज टू बी एडजस्टेड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल हैविंग अ साइज ऑफ 10^-6 meter. सिमिलरली प्रोकैरियोटिक सेल में 1.2 mm डीएनए होता है. प्रोकैरियोटिक सेल की अगर आप डायमेंशन की बात की जाए करेंगे तो डायमेंशन सिर्फ 1 micrometer है. सो दिस यू नो क्रिएट्स ए नेसेसिटी टू कंपैक्ट दिस डीएनए एंड सो एज टू गेट दिस डीएनए एडजस्टेड अकोमोडेटेड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल एंड विद इन द सेल ऑफ द प्रोकैरियोट्स. हाउ दिस पैकेजिंग ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस, फर्स्ट वी विल डिस्कस द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, देन वी विल डिस्कस द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स की हम बात करेंगे. पहले हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए प्रोकैरियोट्स में हम बात करेंगे. हाउ पैकेजिंग ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. हमें पता है ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है. दिस इज ए प्रोकैरियोटिक सेल एंड दिस प्रोकैरियोटिक सेल इट लैक्स ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो देयर इज नो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड द जेनेटिक मटीरियल. रिमेम्बर द जेनेटिक मटीरियल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल is not present throughout the cell. This is important point. The genetic material in case of prokaryotes. The genetic material in case of prokaryotes is not found scattered throughout the cell. Remember, न्यूक्लियर मेमोरी नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में. न्यूक्लियर मेमोरी नहीं है इसका मतलब ये नहीं होगा कि जेनेटिक मटेरियल जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए है वो throughout the cell आपको मिलेगा. नहीं मिलेगा. शाबाश, the DNA has negative charge. We know that DNA has negative charge due to presence of phosphate group. Shabash, and this DNA gets associated with some non-histone proteins, non-histone basic polyamine proteins having positive charge and form a structure, gene bearing structure known as, उस structure को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लॉइड. वेरी गुड. वो यूज द टर्म न्यूक्लॉइड फॉर द न्यूक्लियस ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल. और वी ऑल्सो यूज द टर्म जीनोफोर. वेरी गुड. सो द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज वेरी वेरी सिंपल. द डीएनए इन केस ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल, यू नो डीएनए वेदर इट इज प्रेजेंट इन ए प्रोकैरियोटिक सेल और प्रेजेंट इन ए यूकैरियोटिक सेल हैज अ नेगेटिव चार्ज. दिस डीएनए ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल इज नॉट प्रेजेंट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, रादर इट इज कन्फाइंड इन द सेंटर ऑफ दिस प्रोकैरियोटिक सेल. दिस डीएनए हैज अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस डीएनए गेट्स एसोसिएटेड विद सम नॉन हिस्टोन बेसिक पॉलीअमाइन प्रोटीन्स. रिमेम्बर द नेम. दिस डीएनए गेट्स एसोसिएटेड विद सम non-histone basic polyamine proteins. Remember, there are certain polyamine proteins, not histone proteins, in case of prokaryotic cells.
द डीएनए गेट्स एसोसिएटेड, जो इनका डीएनए है वो इसके साथ एसोसिएट होता है, वो इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पॉलीएमाइन प्रोटीन्स के ऊपर, ये बेसिक प्रोटीन्स है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, हमारे डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरह जब ये हमारा डीएनए इन पॉलीहिस्टोन प्रोटीन्स के साथ जुड़ जाता है, एक स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर का नाम है न्यूक्लॉयड, या उस स्ट्रक्चर का नाम है जीनोफोरिक। दिस इज द जीन बेयरिंग रीजन। सो द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज वेरी वेरी सिंपल। हाउएवर द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। वी विल डिस्कस हाउ पैकेजिंग ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन केस ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल। Packaging of DNA in case of eukaryotes. This is explained by a famous model. That model is also called as nucleosome model. Remember the term nucleosome model. Nucleosome model, explains the packaging of DNA in case of eukaryotes. प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोसोम बनता नहीं है, याद रखना, लेकिन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोसोम बनता है। हम डिस्कस करेंगे आगे, हमें समझ आ जाएगा कि ये न्यूक्लियोसोम क्या है। सो आप इतना याद रखिएगा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन केस ऑफ यूकैरियोट्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ ए मॉडल। दिस इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए मॉडल, दैट मॉडल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम मॉडल। शाबाश। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स this packaging of DNA is possible with takes place with the help of this histone proteins. Remember, prokaryotic cell ke nucleus ke andar proteins hote hain, un proteins ko bolte hain histone proteins. Yaad rakhna, histone proteins jo hai, these are basic proteins. ye basic proteins hai, ye positively charged proteins hai, aur sabse important baat jo hai, ye histone proteins jo hai, they are rich in two amino acids. One is lysine, another is arginine. How this histone protein becomes a basic protein, this is due to the presence of a positively charged side chain in its constituent amino acids. Yaad rakhna, histone protein, ek basic protein, positively charged protein, kaise banta hai? It is because the amino acids that form this histone protein, that is lysine and arginine, in dono ke andar side chain hai, aur wo side chain jo hai wo positively charged side chain hai. Lysine aur arginine ke paas ek side chain hoti hai, uske upar positive charge hota hai. Yahi lysine aur arginine jo hai ye banate hai ek protein, us protein ko hum bolte hai histone protein. Yaad rakhna, eukaryotic cell mein के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन एक बेसिक प्रोटीन होता है, और ये जो ये हिस्टोन प्रोटीन है, इट इज रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन अमीनो एसिड्स, एंड दीज हिस्टोन प्रोटीन्स आर फाइव डिफरेंट टाइप्स। इसके फाइव टाइप्स है, दीज हिस्टोन प्रोटीन्स आर फाइव डिफरेंट टाइप्स। वी आर हैविंग हिस्टोन 1H1, this is histone 1, sometimes this is also called as H5 histone, sometimes this is also called as H5 histone, and we are having histone H2A. This is histone, one type of H2 histone called as H2 histone, and then we are having H2B histone, there we are having H3 histone, and we are having H4 histone. फिर से मैं रिपीट करता हूं, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, बेसिक प्रोटीन होता है, उसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन जो है ये रिच होता है इन अमीनो एसिड्स लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन। इस हिस्टोन प्रोटीन के अंदर दो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, एक लाइसिन होता है और एक आर्जिनिन होता है। यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर अगर देखा जाएगा, पांच तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। H1 या H5 हिस्टोन भी इसको बोलते हैं, H2 हिस्टोन होता है, H2B हिस्टोन होता है, H3 हिस्टोन होता है और H4 हिस्टोन होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज हिस्टोन प्रोटीन्स इज दे डिफर इन टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ दे टर्म्स इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ लाइसिन एंड
arginine. The ratio of lysine over arginine is highest. The ratio of lysine over arginine is highest in case of H1 histone protein, while as H2A and H2B, they are rich in lysine. While as H3 and H4, they are rich in arginine. This is the difference. This is the difference between these histone proteins. Ek baar phir se main dohrata hoon. What is the difference between these 5-2 histone proteins? What makes them different is the ratio of, is the amount of lysine and arginine amino acids which constitute them. In case of H1 histone, the lysine arginine ratio is highest, while as in case of H2A and H2B, they are both lysine rich, while as H3 and H4, they are both arginine rich. And remember, we are having 5 types of histone proteins, and 4 of these histone proteins, two molecules of H2A, two molecules of H2B, two molecules of H3, and two molecules of H4. See here, these are 2 molecules of H2A, these are 2 molecules of H2B, and behind them, for example, I will show you here, behind them are present, this is another molecule of H3, these are 2 molecules of H3A, and these are 2 molecules of H4. So we are having 8 units, two units of H2A, 2 units of H2B, 2 units of H3, and 2 units of H4 histone protein. They unite together and form a structure. That structure is called as histone octamer. This is histone octamer. Why it is called as octamer? Because it has 8 histone proteins in it. इसके अंदर इसको हम histone octamer भी बोलते हैं. Yeah, this is also called as new body. Remember, this is also called as a new body. इसको बोलते हैं histone octamer का दूसरा नाम new body है. यहाँ पे मैं इस तरह show करूँगा. ये हमारे पास histone octamer है. Histone octamer इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 2 molecules है H2A histone protein के, 2 molecules H2B के है. और 2 मॉलिक्यूल H3 हिस्टोन प्रोटीन के हैं, 2 मॉलिक्यूल H4 हिस्टोन प्रोटीन के हैं. इस तरह बनता है हमारे पास एक ऑक्टामर, हिस्टोन्स का ऑक्टामर बनता है. इसको हम हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं, या इसको हम न्यू बॉडी बोलते हैं. शाबाश. इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर द डीएनए जो है, इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर जो है, द डीएनए गेट्स रैप्ड, डीएनए गेट्स कॉइल्ड. इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर the DNA gets coiled, shabash, because this histone octamer is rich in basic amino acids. This histone octamer has a positive charge. Our DNA has a negative charge. Through electrostatic interaction, the DNA gets wrapped over this histone octamer, shabash, to form a structure. That structure is now called as nucleosome. पहले, सबसे पहले हमारे पास हिस्टोन ऑक्टोमर बन गया न्यूक्लियस के अंदर. हिस्टोन ऑक्टोमर इज फॉर्मड बाय द यूनियन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच H2A, H2B, H3 एंड H4 हिस्टोन प्रोटीन्स. शाबाश. इस हिस्टोन ऑक्टोमर का दूसरा नाम न्यू बॉडी है. इस न्यू बॉडी के ऊपर या हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, हमारे डीएनए के ऊपर नेगेटिव. हमारा जो डीएनए जो है, डीएनए गेट्स रैपिड ओवर द दिस न्यूक्लियस, दिस हिस्टोन ऑक्टामर. हमारे पास था ये हिस्टोन ऑक्टामर. क्या हो गया? हमारे पास हिस्टोन ऑक्टामर था. इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. नियर अबाउट 200 बेस पेयर्स. रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अबाउट 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए जो है, gets wrapped over the histone octamer and forms 1:3/4 turns. That is 1.75 turns.
हमारे ऊपर दो कंप्लीट टर्न्स नहीं है, एक न्यूक्लियोसोम है और ये जो है ये डीएनए जो है ये डीएनए इज अबाउट 80 बेस पेयर्स। दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच का जो डीएनए होता है जो दो न्यूक्लियोसोम्स को लिंक करता है इसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए, और इस लिंकर डीएनए का जो साइज होता है दैट इज अबाउट 80 बेस पेयर्स। एंड द हिस्टोन प्रोटीन H1 हिस्टोन प्रोटीन, रिमेंबर H1 हिस्टोन, दिस इज H1 हिस्टोन प्रोटीन, H1 हिस्टोन है ये, H1 हिस्टोन जो है H1 हिस्टोन इसका काम क्या है, इट सील्स द डीएनए, इट सील्स द डीएनए ऑन द न्यूक्लियोसोम। शाबाश, चार हिस्टोन्स जो है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2A, H2B, H3 एंड H4 दे कंस्टिट्यूट न्यूक्लियोसोम, दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसोम इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोन ऑक्टोमर। जो हमारे पास H1 हिस्टोन जो है इट सील्स द डीएनए, ये डीएनए को सील करता है, सील्स द डीएनए ऑन द न्यूक्लियोसोम, जो न्यूक्लियोसोम के ऊपर जो डीएनए होता है ये उस डीएनए को सील करता है। शाबाश, मैंने आपको बताया इस तरह हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। मैंने आपको बताया हिस्टोन प्रोटीन्स चार तरह के, दो दो मॉलिक्यूल H2A, H2B, H3 और H4 के यूनाइट हो जाते हैं, वही गेट ए हिस्टोन ऑक्टोमर। उस हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर डीएनए जो है वो कॉइल करता है, वो रैपिंग करता है, शाबाश, 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए रैप करता है, शाबाश, और इसके ऊपर ये 1.75 या 1:3 टर्न्स लगाता है, शाबाश, बनाता है एक स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर का नाम है न्यूक्लियोसोम, है। सो दिस न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम इज पॉसिबल, शाबाश, ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। ये जो न्यूक्लियोसोम बना, शाबाश, इट हैज ए साइज ऑफ नियरली अबाउट 11 नैनोमीटर × 6 नैनोमीटर। रिमेंबर ईच न्यूक्लियोसोम हैज ए साइज ऑफ 11 नैनोमीटर × 6 नैनोमीटर। हर किसी न्यूक्लियोसोम के जो डायमेंशन है वो 11 नैनोमीटर इसकी चौड़ाई है, 11 नैनोमीटर इसकी चौड़ाई है, 11 नैनोमीटर इसकी चौड़ाई है, 11 नैनोमीटर, इट हैज ए डायमेंशन ऑफ 11 नैनोमीटर लाइक दिस, एंड इट हैज ए लेंथ ऑफ ए हाइट ऑफ 6 नैनोमीटर। रिमेंबर इट हैज ए लेंथ ऑफ 6 नैनोमीटर, इट हैज अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ 6 नैनोमीटर। शाबाश, दिस न्यूक्लियोसोम जो है इट एक्ट्स एज ए रिपीटिंग यूनिट और मोनोमर, रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए स्ट्रक्चर नोन एज, उस स्ट्रक्चर का नाम है क्रोमाटिन प्रेजेंट, शाबाश, इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। रिमेंबर वंस वी गॉट दिस न्यूक्लियोसोम एज ए रिजल्ट ऑफ यूनियन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, एज ए रिजल्ट ऑफ रैपिंग ऑफ डीएनए ओवर दिस हिस्टोन ऑक्टोमर, वी गेट व्हाट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। Many such nucleosomes they unite with one another and ultimately they give rise to a structure, that structure is called as chromatin. This chromatin is present in the nucleus of eukaryotic cell. Shabash, we are having nucleosome. Actually what happens, we are having nucleosome. This nucleosome has a dimension of about 11 nanometer. This has a dimension of about 11 nanometer. Many such nucleosomes coil together, shabash, to form a structure. That structure is called as, this is sometimes also called as solenoid, or this is also called as chromatin. Solenoid or chromatin. Nucleosome ban gaya, काफी सारे न्यूक्लियोसोम्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एक न्यूक्लियोसोम का जो डायमेंशन है वो 11 नैनोमीटर है।
ये काफी सारे न्यूक्लियोसोम्स एक दूसरे के साथ कॉइलिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाते हैं, कॉइलिंग करते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, बनाते हैं एक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड, या उसको हम मोस्ट ऑफन हम उसको बोलते हैं क्रोमाटिन. दिस क्रोमाटिन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल एंड दिस क्रोमाटिन हैज दिस सोलेनॉइड और क्रोमाटिन हैज ए साइज ऑफ 30 नैनोमीटर. सो न्यूक्लियोसोम्स व्हेन कॉइल्ड टुगेदर दे विल गिव राइज टू सोलेनॉइड और क्रोमाटिन. दिस क्रोमाटिन हैज ए स्ट्रक्चर ऑफ 30 नैनोमीटर. सिमिलरली दिस क्रोमाटिन फर्दर कंडेंसेस, इट फर्दर शोज कॉइलिंग, टू फॉर्म अनदर स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रोमाटिड. This chromatid has a size of 700 nanometer and this chromatid finally gives rise to a chromosome. Having a dimension of a diameter of 1400 nanometer. See how the condensation of, you know, earlier we were having DNA. पहले हमारे पास क्या था? डीएनए का जो डायमीटर है, लास्ट टाइम मैं भूल गया आपको बताना, डीएनए का जो डायमीटर है दैट इज 2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, और कहीं पे लिखा होगा 20 एंगस्ट्रॉम, बिकॉज 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स. तो डीएनए का जो डायमीटर है वो 2 नैनोमीटर है. डीएनए गेट्स रैपिड over nucleosome, DNA gets wrapped over histone aptamer to form a structure that is called as nucleosome. This nucleosome, DNA has a diameter of 2 nanometer, nucleosome has a diameter of 11 nanometer. Many nucleosomes unite together, they coil together to form a structure. That structure is called as solenoids or chromatin structure having a diameter of 30 nanometer. This chromatin further, you know, shows coiling to form a super solenoid. It forms a another intermediate structure that is called as super solenoid. This super solenoid is having a dimension of a diameter of 300 nanometer and this super solenoid shows further condensation to form a structure known as chromatid having a diameter of 700 nanometer. Shabash, two chromatids unite together to form a metaphasic chromosome. This metaphasic chromosome is called as, this metaphasic chromosome is having a dimension of 1400 nanometer. अक्सर बेशतर आपने सेल डिवीजन में क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जो जब सेल डिवीजन होता है, the chromosomes जो है right from prophase up to metaphase they begin to condense. Chromosomes begin to condense. So it is this coiling takes place. It is what happens actually, the coiling of this DNA takes place. So that ultimately chromosomes are visible during the metaphase stage of a eukaryotic cell during the process of cell division. तो फिर से मैं दोहराता हूँ, हमारे पास जो है nucleosome जो है it's a repeating unit of a structure. That structure is known as chromatin. This chromatin is present in the nucleus, or it is a repeating unit of this chromosome. This chromosome is present in the nucleus of a cell. Only remember why I am focusing on this chromatin, because in majority of the times the DNA present in a cell is in the form of a chromatin. Only during the process of cell division, only during the metaphasic stage of the cell division, this chromatin shows further super coiling and coiling and coiling and ultimately forms a chromosome, a highly condensed structure known as chromosome in 1400, having a diameter of, you know, diameter of 1400 nanometer. Shabash, the condensation at the beginning of this DNA was possible because of histone proteins. Up to this level, the condensation was possible because of histone proteins. DNA, you know, condensed to form nucleosome only because of histone proteins. Lekin from here onwards, the condensation is possible because of non-histone chromosomal proteins. याद रखना, DNA
से न्यूक्लियोसोम बनते हैं. इट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स. लेकिन फिर मैंने आपको बताया न्यूक्लियोसोम सोलेनाइड बनाएंगे, क्रोमेटिन बनाएंगे, क्रोमेटिन सुपर सोलेनाइड बनाएंगे, सोलेनाइड सुपर सोलेनाइड क्रोमेटिड बनाएगा, क्रोमेटिड क्रोमोसोम बनाएगा. इसके लिए भी किसी चीज की जरूरत है, इसके लिए भी किसी प्रोटीन की जरूरत है. और जो प्रोटीन्स हमें मदद करते हैं टू फॉर्म यू नो दिस सोलेनाइड या क्रोमेटिन फ्रॉम न्यूक्लियोसोम एंड अल्टीमेटली टू फॉर्म सुपर सोलेनाइड क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव यू नो रिपीटिंग यूनिट्स, दोज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स. याद रखना है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन से हम हमारा क्रोमेटिन बनता है, हमारा क्रोमोसोम बनता है, व्हाइल एज हमारा न्यूक्लियोसोम जो है दैट इज ऑनली फॉर्मड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स. सिंस दिस न्यूक्लियोसोम इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमेटिन, और दिस न्यूक्लियोसोम इज द रिपीटिंग बेसिक रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज व्हाई दिस पैकेजिंग ऑफ डीएनए is also you know called as nucleosome model. It is explained by a model that is called as nucleosome model. जो आपके सामने मैंने आप put forward किया, जो मैंने आपके सामने put forward किया. अगर मैं इन non-homosomal, non-histone chromosomal proteins जो है NHCs भी इनको बोलते हैं, they are also called as NHCs, non-histone chromosomal proteins. There are three different types. तीन तरह के हैं ये. Higher class में आप पढ़ेंगे they are called as structural or scaffold non histone chromosomal proteins. इसी तरह ये जो हमारे पास है they are also called as regulatory non histone chromosomal proteins. They are also called as functional non histone chromosomes. Functional non histone chromosomes थोड़ा बहुत आपको समझ आएगा. They are in the form of DNA polymerases and they are in the form of RNA polymerases. So this is all about nucleosome model. अब nucleosome model से जुड़ा हुआ एक छोटा सा topic है, that is types of chromatin. हमारे पास chromatin, ये chromatin जो है इट्स ए colored thread like structure formed by the coiling of nucleosomes. जब nucleosomes ने coiling किया we got a structure, that structure is called as chromatin. As I have already explained you कि DNA से बनता है nucleosome से बनता है solenoid या chromatin से बनता है super solenoid से बनता है chromatid से बनते हैं chromosomes. DNA का dimension है diameter 2 nanometer है, nucleosome का 11 nanometer है, solenoid या chromatin का 30 nanometer है, super solenoid का 300 nanometer, एक क्रोमोटिड का डायमीटर 700 नैनोमीटर, एक क्रोमोसोम का जो डायमीटर है दैट इज 1400 नैनोमीटर. इस तरह मैं आपको बताऊंगा, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज वन क्रोमेटिड, दिस इज अनदर क्रोमेटिड, द डायमेंशन इज हियर, इट इज इक्वल टू 1400 नैनोमीटर, इट इज इक्वल टू 1400 नैनोमीटर. सो जो क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन इज ऑफ टू टाइप्स. वी आर हैविंग हेटेरोक्रोमेटिन एंड वी आर हैविंग यू क्रोमेटिन. क्रोमेटिन दो तरह का है, एक हमारे पास हेटेरोक्रोमेटिन है, एक हमारे पास यू क्रोमेटिन है. जब हम क्रोमेटिन को के ऊपर कोई सिटेन डालते हैं, वेन वी यू नो अप्लाई एनी सिटेन, वेन वी पुट एनी सिटेन ऑन दिस क्रोमेटिन, वी सी दैट some regions they are deeply stained, while as some regions on the this chromatin are lightly stained. Heterochromatin jo hai, these are deeply stained regions of chromatin regions, while as these are lightly stained regions. These are lightly stained regions. अगर मैं फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इफ यू अप्लाई एनी बेसिक फास्टेन प्रोटीन यू नो सिटेन, एनी बेसिक सिटेन दैट कलर्स डीएनए, शाबाश, आप क्या देखोगे, क्रोमेटिन के ऊपर आपने सिटेन अप्लाई किया, बेसिक फास्टाइन सिटेन हम यूज करते हैं. और जब आप इसको क्रोमेटिन के ऊपर अप्लाई करोगे, यू विल सी दैट सम रीजन्स ऑन दिस क्रोमेटिन बिकम डार्कली सिटेन, दे गेट डीपली सिटेन.
those regions are called as heterochromatin, while as certain regions, majority of certain regions on this chromatin, they get lightly stained. Those lightly stained regions are called as chromatin. Scientists when found that what is the reason behind deep staining and light staining, they found that some regions on this chromatin, they got, you know, they become deeply stained because the DNA is highly condensed. Un jagahon mein jahan pe heterochromatin, jahan jo heterochromatin hai, jo deeply stained regions hai, wahan pe jo DNA ki jo condensation hai, that is very very high. The DNA is highly condensed, so that once it gets the stain, it retains that stain. The stain does not comes out. And while as lightly stained regions are shabash, not highly condensed. The DNA here is not highly condensed. If DNA is highly condensed, agar DNA ek dusre ke saath DNA ki jo condensation hai, wo bahut zyada hai. अब जब प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन हो, जब प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन होनी हो, उस दौरान ये डीएनए जो है ये ओपन नहीं होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन टू टेक प्लेस, फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टू टेक प्लेस, एंड द फॉर प्रोसेस अल्टीमेटली द प्रोसेस ऑफ यू नो ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस, दिस डीएनए डज नॉट ओपन. सो दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली inactive region of DNA. This is transcriptionally inactive region of DNA. ये transcriptionally inactive होता है, यानी from this DNA you cannot synthesize DNA because this DNA is highly condensed. It never opens for the process of transcription to take place. That's why this is transcriptionally inactive region of DNA. This, since the DNA here is not highly condensed, this is transcriptionally active region. Transcriptionally active region or transcriptionally inactive region of DNA means no genes present, no functional genes present. Shabash, this is the gene bearing region of the DNA. This is the gene bearing region of DNA. ये जीन बेरिंग रीजन ऑफ डीएनए है. और एग्जाम्पल क्या है क्रोमेटिन की, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रोमियर की मैं बात करूंगा, सेंट्रोमियर या क्रोमोजोम्स के ऊपर क्रोमोमियर्स होते हैं, सेंट्रोमियर्स होते हैं, या टीलोमियर जो है, टीलोमियर्स they represent the heterochromatin, while as the rest of the chromosome they represents euchromatin. फिर से मैं रिपीट करता हूँ. शाबाश, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था एमिल हीट्स. एमिल हीट्स ने पहली बार डिस्कवर किया कि जो क्रोमोटिन होता है वो ये दो तरह का होता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेनिंग प्रॉपर्टी. वी आर हैविंग हेटरोक्रोमेटिन एंड वी आर हैविंग यूक्रोमेटिन. हेटरोक्रोमेटिन इज द रीजन ऑफ क्रोमेटिन दैट गेट्स डीपली स्टेन्ड by basic fast chain stain, whereas euchromatin gets lightly stained. That what is the reason of deep staining and light staining? The heterochromatin has highly condensed DNA, while as euchromatin does not have highly condensed DNA. Heterochromatin, since the DNA is highly condensed, it is transcriptionally inactive region of the DNA. Here the DNA is lightly condensed, it is transcriptionally active region of the DNA. Shabash, since the DNA does not undergo transcription, so no genes are present on heterochromatin, while as this euchromatin represents the gene bearing region of the DNA. Shabash, the typical regions on a chromatin are in the form of centromere or telomere, represent heterochromatin, while as the rest of the chromatin is in the form of euchromatin. I hope that you have understood all the points which I highlighted in this lecture, video lecture. And in case of any query, you can put, I have communicated you my mobile number. You can put any sort of queries related to these topics on my WhatsApp number, that is 7889656100. And please do not forget to subscribe my YouTube channel, that's on the name of Shukur Botany. Thank you one and all, and thank you.